देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,17,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं यानी कि अगर बात की जाए तो 10 दिनों में ही 20 गुना मरीज बढ़ गए। इसमें पहले की अगर बात करें तो यहां 28 दिसंबर को मात्र 6,000 मामले सामने आए थे। वहीं मुंबई और दिल्ली के बाद अब यूपी में भी संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। यहां बीते 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। वहीं देश में ओमिक्रॉन का कहर बढ़ने लगा है। अब देश में कोरोना के इस नए वेरिएंट से दूसरी मौत हो गई है। ओडिशा के यहां यानी कि बोलांगीर में 55 साल की एक महिला की ओमिक्रॉन से मौत हो गई। इससे पहले राजस्थान के उदयपुर के एक अस्पताल में 63 साल के बुजुर्ग की इस खतरनाक वेरिएंट से मौत हुई थी।